आज मैं हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, कल फरवरी 3 से अभी मैं ट्रेन से उतरा हूँ। आप जो देख सकते हैं ट्रेन खड़ी है, ये सरम शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से चलकर कानपुर को आती है। रात में चढ़ा था कानपुर नई दिल्ली में, अभी सुबह समथिंग 9 बजे करीब हो रहे हैं और ये हमें कानपुर स्टेशन छोड़ी है। अभी यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, अभी देख सकते हैं सरम शक्ति स्पेशल है, कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली एक्सप्रेस है ये। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, आपको दिखाते चलेंगे रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, आपको दिखाते चलेंगे। हम यहाँ से बस स्टैंड तक जाएंगे क्योंकि हमें उन्नाव जाना है, तो हम यहाँ से कानपुर बस स्टैंड जाएंगे जो जगह पट्टी में पड़ता है, अच्छा रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे। अभी हम कानपुर रेलवे स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर ही है, तो ट्रेन खड़ी थी वो 3 नंबर पर, और ये सब जो दिख रहे हैं आपको ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। हम अभी बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस साइड की ब्रिज हमें काफ़ी दूर दिखाई दे रही है, तो हम तब तक हम अपने खाते चलेंगे। यहाँ पे रेलवे स्टेशन आपको कानपुर का, ये कानपुर में काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसका नाम कानपुर सेंट्रल रखा गया है जो शहर का सबसे बिजी स्टेशन है, क्योंकि यहाँ व्यापारी के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कानपुर रेलवे स्टेशन ही है। अभी हम चल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, प्लेटफॉर्म 4 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इजीली खाने पीने के सामान अवेलेबल मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको खाने पीने को मिल जाएंगे। अभी हम बैक जा रहे हैं क्योंकि उधर रेलवे ब्रिज काफ़ी दूर था, और यहाँ पर हमें पास में दिखाई दे रही है रेलवे ब्रिज, ओवर ब्रिज, तो यहाँ से हम ब्रिज से ऊपर होकर जाएंगे, तब तक आपको रास्ते में दिखाते चलेंगे, आपको आप देखते चलेंगे। आपको देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने का आपको सामान इजली मिल जाएंगे, खाने पीने कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये स्टॉल है, यहाँ पे वो खाने पीने की मिल जाएगी, सामान अवेलेबल है यहाँ पे सारी चीज़, और स्टेशन जैसा नहीं है ये खाने पीने की समस्या होगी, जो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है, शहर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है। अभी हम यहाँ से इस ब्रिज से हम क्रॉस करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी के द्वारा, और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। अभी हम सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं सीढ़ी ऊपर इसका, यहाँ से ऊपर हम ब्रिज पर चढ़ेंगे सीढ़ी के द्वारा, और फिर हम यहाँ से हम बाहर निकलेंगे रेलवे स्टेशन से। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज पर चढ़ने के लिए, तब तक आपको सीढ़ी दिखाते चलेंगे। इसके अलावा एक और अंडरग्राउंड भी सीढ़ी है जो हैंडीकैप के लिए इजली है, एक सामान कुरियर करने के लिए वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से रेल प्लेटफार्म एक तरफ जाना है तो इधर आपको राइट जाने होंगे, इधर दिखाई दे रहा है, और अगर आपको घंटाघर साइड जाना है, अगर बस स्टैंड जाना है तो आपको लेफ्ट लेने होंगे, जिस साइड मैं जा रहा हूँ उस साइड जाने होंगे। ये आपको घंटाघर बस स्टैंड कानपुर शहर की तरफ जाएगा, तो हम जा रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप, हम थोड़ी देर में ही ब्रिज क्रॉस करेंगे, फिर हम आगे का वीडियो दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सेफ्टी लगा रखी इन्होंने ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बच्चा या कोई आदमी इस वजह रेलवे ब्रिज पर ना गिरे, पूरी सेफ्टी लगा रखी है। अभी हम थोड़ी देर में ब्रिज क्रॉस करके एग्ज़िट करेंगे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अभी हम ब्रिज थोड़ी देर में क्रॉस करेंगे, बस आ ही गए हैं यहाँ से, आगे से हम उतरेंगे और फिर हम यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। अभी आप देख सकते हैं बस हम उतरने वाले हैं, यहाँ से सीढ़ी से हम बाहर निकलेंगे घंटाघर साइड, देख सकते हैं आप एक डेमो ट्रेन खड़ी है, लोकल ट्रेन जो खड़ी है वहाँ पर भी, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे आपको कानपुर का, तब तक आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, आप थोड़ी देर में ही उतर जाएंगे यहाँ से, उतर के फिर हम बाहर को आपको व्यू दिखाएंगे, बाहर का आप देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल का। हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से निकलने के बाद आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ से हम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हम बाहर निकल चुके हैं, अब थोड़ी दूर जाने के बाद हम बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। देख सकते हैं यहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा है,
अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, देख सकते हैं कि इतना अच्छा रोड है, इसलिए आप इजली यहाँ कार्गो भी कर सकते हैं इजली। अंडरग्राउंड थोड़े आगे अंडरग्राउंड भी थी, वहाँ से आप अंडरग्राउंड में सीधा प्लेटफार्म जा सकते हैं। तो हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर वाला व्यू दिखाते चल रहे हैं, आप देख सकते हैं बाहर के व्यू। ये देख रहे हैं आप, ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन अंदर का ये टिकट काउंटर है और वेटिंग हॉल है, यहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं। और टिकट अगर जनरल टिकट चाहिए तो आपको यहाँ पे जनरल टिकट इजीली मिल जाएगी। ये देख सकते हैं साहब, बहुत सारी सीट लगी है वेटिंग हॉल की, और ये सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको इजीली टिकट हर शहर की मिल जाएगी, हर ट्रेन की। यहाँ पे ATM मशीन लगी है, वहाँ से आप इजीली टिकट और जल्दी टिकट आपको मिल जाएगी। ये पूरा वेटिंग हॉल है कानपुर सेंट्रल का। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, एग्जिट हॉल से बाहर निकलेंगे, तो बाहर का व्यू दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, हम बाहर निकल चुके हैं। ये बाहर एक छोटी सी पार्क बना रखी है इन्होंने, आप देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से हम बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं रिक्शा पकड़ने के लिए। रिक्शा पकड़ के हमें जाना है बस स्टैंड, कानपुर बस स्टैंड जाना है। तो हम यहाँ से थोड़ी आगे चलकर वहाँ से हमें रिक्शा मिल जाएगी जाने के लिए। ये देख सकते हैं फ्लैग वगैरह, फ्लैग लगी हुई है यहाँ पे, इंडियन नेशनल फ्लैग लगी है। अभी हम यहाँ से बिल्कुल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन बाहर निकल चुके हैं, थोड़ी दूर पर आगे घंटाघर है, वहाँ से हमें चारों तरफ भी मिल जाएगी। हम जा रहे हैं रिक्शा पकड़ने के लिए, यहाँ पे आपको जनरल टिकट मिल जाएगी, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे, दुकानों में आपको जनरल टिकट इजीली मिल जाएगी। आपको कहीं भी जाने के लिए टिकट मिल सकती है, जनरल और रिजर्वेशन दोनों टिकट यहाँ पे मिल सकती है दुकानों में, इसे आप लाइन से बच सकते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये कानपुर घंटाघर है, काफ़ी बेहतर है। तो हमें जाना है बस स्टैंड, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, और लेफ्ट लेने के बाद थोड़ी सी आगे जाकर हम रिक्शा पकड़ेंगे, और फिर हम बाहर निकल। जैसे देख रहे बोर्ड लगी है जगरपट्टी का, जगरपट्टी में बस स्टैंड है, वहीं से हमें बस में लेकिन उन्नाव जाने के लिए। तब तक हम थोड़ी वेट करते हैं यहाँ पे, अब मैं रिक्शा में बैठ चुका हूँ, अब जा रहे हैं हम जगरपट्टी बस स्टैंड। तब तक रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे, देखते चलेंगे रास्ते का भी। हम थोड़ी देर में जगरपट्टी पहुँचेंगे, अभी हम रेलवे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, नीचे रेल दिख रहे हैं, आप दिखाई दे रहा है ऊपर पुल है। अभी हम रास्ते में हैं और थोड़ी देर और यहाँ से छत्रपट्टी बस स्टैंड, वहाँ से बस आपको मिल जाएगी। ये कानपुर इलेक्ट्रिक बस है, कानपुर शहर में चलती है, ये ओनली कानपुर शहर में मिलेगी, वो कानपुर बाहर नहीं चलती है। अभी हम बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं छत्रपट्टी, तब तक एक रेड लाइट आ रहा है, यहाँ से हम राइट लेंगे, और राइट लेने के बाद बस आएंगे जगरपट्टी। बस दो मिनट और लगेंगे यहाँ से जगरपट्टी पहुँचने के लिए, तब तक आप देख सकते हैं, तब तक रास्ते का व्यू दिखाते चलेंगे आपको। आप ये देख सकते हैं रास्ते पूरा, ये सारे बस स्टैंड के पास ही आगे जितनी खड़ी है, सारे बस स्टैंड के पास ही खड़ी है। यहाँ से आपको डिफरेंट लोकेशन के लिए आपको ऑटो मिल सकती है यहाँ से कानपुर शहर में जाने के लिए। अब हम यहाँ आ गए, छत्रपट्टी बस स्टैंड आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगी है और इधर बस भी जा रही है। तो सारे बस आपको डिफरेंट लोकेशन के लिए बस मिल सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको आगरा लखनऊ जाना हो तो वहाँ से बस मिल जाएगी, और बस स्टैंड भी दिख रही है।